उसके बाद फिर यहाँ की जो सुख सुविधाएं की आवश्यकता है महसूस करता है, फिर ठाठ बाट यहाँ के ढूंढता है। यह भी रजोगुण से प्रभावित होकर ही ये प्राणी करता है। जो श्री ब्रह्मा जी रजोगुण के कारण है उसका प्रभाव है। दूसरा श्री विष्णु जी सतगुण हैं और श्री विष्णु जी से निकल रही तरंगे हम सभी को यहाँ एक दूसरे में मोह पैदा करते हैं। संतान में मोह, संपत्ति में मोह, मित्र प्यारों में ममता, ये जीव के बस की बात नहीं। इसको सतीथी कहते हैं। और जो संतानों उत्पत्ति ब्रह्मा जी के रजोगुण से हो रही है उसको ये सृष्टि कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करता है और विष्णु सतीथी करता है और शिव जी का अंडरस्टूड है वो तो संहार करते हैं, वो तमोगुण युक्त है। भगवान शिव जी के तमोगुण के प्रभाव के कारण हम एक मिनट में एक दूसरे के साथ आग बबूले हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं और मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो यहाँ इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से ये सब व्यवस्था कर रखी है। इसका इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये स्वयं किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जब इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति इसने कर दी दुर्गा के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तब इसने दुर्गा से कहा था कि मेरा भेद तू किसी को नहीं बताएगी। अब दुर्गा जो है या देवी इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ये इसको बहुत ज़्यादा भयभीत रखता है। और उधर से इसने इन 21 ब्रह्मांड में इसको कंट्रोलर बना रखा है, लेकिन गुप्त रूप से कार्य सब वह खुद ही करता और करवाता है। देवी प्रत्यक्ष आ जाती है, ये काल प्रत्यक्ष नहीं सामने नहीं होता। तो इसने दुर्गा से कहा कि तू मेरा भेद नहीं बताएगी। दुर्गा ने इस डर से कि ये कहीं मुझे सजा ना दे दे, ये बिल्कुल गुप्त रखा हुआ है, इस रहस्य को किसी से नहीं खोलती। और उधर से काल ने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं कभी भी अपने ओरिजिनल रूप में, वास्तविक रूप में, जो मेरा काल रूप है, जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में ये दिखा रहा है, बता रहा है, ये इसका वास्तविक रूप है, जो जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी कांप गए, डर गए, ये इसका वास्तविक रूप है। इसने कसम खाई है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल सेफ में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अब यहाँ इन तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी राजधानी के अंदर रह करके हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। पुण्यात्मा, इस काल को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है, जिस कारण से इसने यहाँ पर हम सबको मिसगाइड किया हुआ है, भ्रमित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान उसका नामो निशान मिटा दिया है। सभी ब्रह्म को परमात्मा मानकर इसी तक सीमित हैं। ब्रह्म तक बुद्धि भी बहुत कम व्यक्तियों की जाती है, उसके बाद इसने देवी देवताओं तक हमें सीमित करवा दिया है और अन्य देवी देवताओं की पूजा से ये प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, प्रारब्ध के दुख से ये छुटकारा नहीं पा सकता। जैसा जिसने कर्म किया है उसका यथावत फल ही प्राप्त कर सकता है। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और स्वयं ये ब्रह्म तथा ये परब्रह्म अर्थात जिसको अक्षर पुरुष गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। सर्वपुरुष तो ये काल है, ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है और सर्वपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो इनमें से कोई भी
पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकता, प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है, जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष इनसे अन्य है, वो परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वही परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, चलकर आते हैं, सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में सनातन परम धाम कहा है, शाश्वत स्थान कहा है। और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाले उस सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। वहाँ जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहाँ सदा सुखी रहते हैं। ऐसे ही सृष्टि है, जैसे यहाँ सृष्टि है ऐसी सतलोक में सृष्टि है, लेकिन वहाँ हमारी बॉडी का मटेरियल बदल जाता है। यहाँ तो हमारा 5 तत्व से बॉडी बना है, शरीर बना है, वहाँ केवल 1 नूर तत्व से होगा। जैसे ये कितना सुंदर शरीर हमें नज़र आता है और इसके अंदर 5 तत्वों का समावेश है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसमें कोई नज़र नहीं आता। ऐसा कैसा चेंज कर दिया, किस तरीके से कर दिया। ऐसे ही सतलोक के अंदर हमारा शरीर 1 नूरी शरीर होगा, 1 तत्व से बना हुआ, और वो ऐसे ही उसमें वो नूर कहीं नज़र नहीं आएगा, जैसे अब इसमें 5 तत्व नज़र नहीं आ रहे, एक अलग से प्रारूप बन जाता है। और वहाँ हमारा शरीर जो है शुक्रम अकायम असनाविरम होगा, वहाँ हमारा शरीर यहाँ जैसे बनता है ऐसा नहीं होगा, बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होगा, 1 तत्व का होगा। और हमारे सूर्य का नूर तेज इतना होगा जैसे 16 सूर्यों का प्रकाश हो। जो प्राणी सतलोक चले जाएंगे ये सत साधना करके मर्यादा में रहते हुए, तो वहाँ जाने के बाद आप जी का सभी का इतना सुंदर शरीर होगा, सदा युवा रहेंगे। जब युवा स्थिति पर आने के बाद फिर वृद्धावस्था नहीं होती, और वहाँ जो सदाबहार बाग बगीचे हैं, अमृत वहाँ के आहार हैं, जैसे यहाँ गंगा जल जो है एक, ये समझ लो सैंपल है, ये सतलोक के अंदर ऐसे पदार्थ हैं। अब यहाँ पर हर चीज़ खराब हो जाती है, यहाँ का वर्षा हुआ जल भी खराब हो जाता है, लेकिन गंगा जी का जल कभी खराब नहीं होता। ये एक सैंपल है कि वहाँ पर दूध के भी ऐसे दरिया बह रही हैं और वो कभी खराब नहीं होता, वो दूध इससे बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार सेब, संतरे, अंगूर, जितने भी वहाँ मेवा है, काजू, किशमिश, मनुखा, दाखा दिए मेवा है, ये भी सदाबहार और कभी खराब ना होने वाले। तो उस सतलोक को हम छोड़ आए, वहाँ कोई काम नहीं है। और यहाँ प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं काम ना करूँ और सुविधा सारी हो, इसलिए तो हम बड़ी बड़ी पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े और सुविधा सारी हो, लेकिन काम फिर भी करना पड़ता है, टेंशन फिर भी बनी रहती है, चाहे हम प्रधानमंत्री बन ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन ले, काम फिर भी करना पड़ता है, और वो सुख भी नहीं, वो सुविधाएँ भी नहीं। अब हमने इस ज्ञान के आधार से एक निर्णय लेना होगा अपने अंतःकरण में कि यहां तो हमारी मृत्यु होगी ही होगी, ये तो हमने स्वीकार कर ही रखा है और पता भी है। भले ही हम ये चाहते हैं कभी ना मरे, चाहे कोई 90 वर्ष का हो गया और उठा जाता ना बैठा जाता, उस व्यक्ति की भी इच्छा है कि अभी 100 वर्ष तो आयु बताते हैं, 10 वर्ष तो शेष और भी हैं,
मृत्यु नहीं चाहता। और ज़्यादा ही कष्ट हो जाता है, शरीर कंडम हो जाता है, सड़न लग जाए जब तो बेशक है जब भगवान ठा ले, लेकिन इच्छा फिर भी नूरा है ठीक हो जाऊं और 10-5 वर्ष जीवन बना रहे। अपुण्यात्माओं, हम मृत्यु नहीं चाहते और मृत्यु डेफिनेट, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मृत्यु होगी, और फिर भी नहीं चाहते हम। बिल्कुल ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सतलोक में रहा करते थे, वहाँ ये कष्ट नहीं था, वहाँ मृत्यु नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं थी, ये टेंशन नहीं थी, BPI लो नहीं था, कैंसर नहीं थी, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता उस शरीर के अंदर। अब हम ना मरना चाहते हैं, सुविधा सारी चाहते हैं, और वृद्धावस्था को हम कति पसंद नहीं करते। यूँ सोचें युवा नजर आऊं, अब देखें 60-60 साल के, 50-55 साल के सफ़ेद बाल हो जाए, हम डाई करेंगे। अब डाई बाल तो सफ़ेद कर लिए, इस उलियन के ऊपर ठीक करोगे, यू तो कंडम होया पड़ा है शरीर का, फेस इस पे के करोगे फिर तो। कहने का भाव ये है कि ये जीव के बस की बात नहीं, क्योंकि आत्मा को पता है कि हम मरते नहीं थे और ये बीमारी गलत लग गई। अब यहाँ सभी देख कितने अच्छी तरह सेट हैं, किसी बेटा है, बेटी है, कोई अच्छी सुविधाएं हैं, बढ़िया ठाठ से रह रहे हैं, एक दूसरे ममता, और फिर मृत्यु हो जाती है। यू के तो कोया, तो यहाँ ये समझने की बात है, यदि हम मरते नहीं तो फिर भी हम इतने आदि हो गए हैं दुख झेलन के, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बना दिए इसने जहाँ दुख दे दिया, कहीं से रंग दिए छोटे मोटे दुख को, तो हम दुख है ना मानते। और उस थोड़े सी राहत मिल जाने से हम सुख मान लेते हैं, उसको सुख मानते। तो पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। इस झूठे सुख को तुम सुख मान बैठे हो, इसी में खुशी मनाते हो, संतान होगी, लड़का हो गया, विशेषकर लड़के को ज़्यादा महत्व देते थे, ये भी एक काल का जाल है। आपस में हमें एक दूसरे को दुखी रखने के लिए, जिसके कोई लड़का नहीं है, लड़की लड़की है, वो सारा परिवार सदा दुखी रहता है, क्योंकि लोक वेद के आधार से हमने लड़के और लड़की में घना डिफरेंस मान रखा था। अब पता चला लड़के और लड़की में जो भेद समझता है वो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति है और भक्ति के योग्य भी नहीं है, क्योंकि भक्त का एक सबसे पहला अच्छा दृष्टिकोण ये होता है, सबसे फर्स्ट, कि परमात्मा जो भी देवे उसमें संतुष्टि हो, और दूसरा ये है लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, और जिसके संतान बिल्कुल नहीं है उसको तो जीना आराम कर देते थे। पुण्यात्माओं, यदि आप जी ने भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना है तो लोक लाज नहीं करनी, जो जगत का जो व्यवहार है वो संतों भक्तों के विपरीत होता है, और इसी कारण से जगत और भक्त का वैर बताया, क्योंकि जो संसार में हम कुछ कर रहे थे, क्रियाएं करते हैं, वो हमारी भक्ति में बाधक होती हैं, और उनको छोड़ देने से फिर समाज हमसे नफरत करता है। तो वो बेशक कुछ भी करो, लेकिन हमने समाज नहीं देखना, अपने अपना परमात्मा का विधान देखना है, भगवान किस प्रकार राजी हो, प्रसन्न रहे, ताकि हमें यहाँ भी सुख मिले और जब हम यहाँ से जाएं तो सतलोक मिले। इसलिए हमने लोकलाज और लोक वेद के आधार से संतान में ना होने से भी हम दुखी रहते हैं, और आध्यात्मिक मार्ग में वो बहुत पुण्य आत्मा है जिनका संतान नहीं है। किस दृष्टिकोण से पुण्य आत्माएं हैं? लेकिन ये नहीं कि जिनका संतान है वो पाप आत्मा है, नहीं, संतान का आपस में जो सतीथी बताई है परमात्मा ने, एक लेवा एक देवा दूत।